दिवाली की खुशियों को इसी तरह मनाया जाए और प्रत्येक त्यौहार की खुशियों को इसी तरह मनाया जाए ताकि कोरोना की रोकथाम भी होती रहे और अपने हम त्यौहारों को भी अच्छी तरह से मनाएं। रुड़की में बंदा रोड पर डेयरी कारोबारी के घर बाइक सवार चार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घर पर करीब 6 राउंड फायरिंग की गई जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। दरअसल सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के भारत नगर में बंदा रोड महिग्रान निवासी इमरान डेयरी कारोबारी है। बुधवार की रात दो बाइक पर सवार चार लोग उनके मकान के बाहर आकर रुके। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता बाइक सवारों ने पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कारोबारी के घर के बंद दरवाजों पर गोलियां चलाई गई। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर आसपास के लोग भी घरों से बाहर आ गए। वहीं कारोबारी के स्वजनों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया जिससे बाइक सवार हमलावर वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने काफी देर तक बदमाशों की तलाश की लेकिन उनका सुराग नहीं लग पाया। पुलिस को मौके से 6 बुलेट के खोके बरामद हुए हैं। पुलिस को दरवाजे पर भी गोलियों के निशान मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।